Hello viewers, welcome to AST Online Academy. Basic Computer Learning course का आज lesson number 4 है और अपने आज के इस lesson में हम icons के बारे में जानेंगे और हम ये देखेंगे कि computer में इस्तेमाल होने वाले basic icons कौन-कौन से हैं और इन icons को ये desktop के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे move किया जाता है और recycle bin किसे कहते हैं और किस काम आता है और अगर हमसे कोई डाटा फाइल डिलीट हो जाती है तो उसको हम वापस कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, डायरेक्टरी ट्री क्या होती है, विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है और फोल्डर कैसे बनाए जाते हैं और उनका शॉर्टकट कैसे क्रिएट किया जाता है, इन तमाम टॉपिक्स को अपने आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ रहिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक AST Online Academy चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे हुए बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी नई रिलीज होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलती रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तमाम दोस्तों को भी इसका फायदा हो जिनको इसकी जरूरत है। तो चले फ्रेंड्स अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आइकन क्या होते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI इंटरफेस जिसे बोलते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हमारे पास फाइल होती है, जो भी फंक्शन होता है या जो भी यूटिलिटीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इमेज की फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके लिए यूज होते हैं इमेजेस, ठीक है। और इन इमेजेस को ही हम आइकॉन बोलते हैं। हर आइकॉन नुमाइंदगी करता है किसी न किसी फंक्शन, किसी न किसी सॉफ्टवेयर, किसी न किसी एप्लीकेशन, किसी न किसी यूटिलिटी की और उन आइकन से हम पहचान सकते हैं कि ये किस यूटिलिटी का जो है वो आइकन है, ठीक है। और इसके बाद मैं ये आपको बताऊं कि जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो डिफॉल्ट में इसके कुछ आइकन जो है हमें नजर आते हैं, जैसे कि ये नीचे आप देख रहे हैं माई कंप्यूटर का आइकन और रिसाइकल बिन का आइकन, ये बाय डिफॉल्ट में आ जाते हैं आपकी डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा माई डॉक्यूमेंट्स का आइकन भी अवेलेबल होता है। इससे हट के अगर आप मजीद भी चाहें तो अपनी मर्जी से आइकन जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर अपनी सहूलत के लिए। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम आइकन को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना चाहें, यानी अपनी मर्जी से अपनी रिलैक्सेशन के लिए, अपनी आसानी के लिए आइकन को सेट करना चाहें डेस्कटॉप के ऊपर, तो हम कैसे इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? इसके लिए दोस्तों ने करना क्या है कि जिस आइकन को हम मूव करना चाहते हैं इस आइकन पे माउस ला के आप लेफ्ट जो बटन है उसको क्लिक कर लें और इसको आपने छोड़ना नहीं है, माउस को उस मुकाम तक लेके आना है लेफ्ट बटन को क्लिक किए हुए और जिस जगह पे आपको सेट करना है आइकन को उस जगह पे आपने रिलीज कर देना है, ठीक है, बटन से जो है बटन को छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि वो जो आइकन है वो मतलूबा मुकाम पे आके सेट हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये दिस पीसी यानी माई कंप्यूटर के आइकन को एक जगह से दूसरी जगह पे सेट कर दिया है और इसी तरह से हम कोई भी आइकन जो है वो एक डेस्कटॉप पे एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे लेके जा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो रिसाइकल बिन है। दोस्तों रिसाइकल बिन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि दो अल्फाज से मिलकर ये जो टर्म है बनी है, एक बिन, बिन जैसे कि आप जानते हैं कि बिन को हम रद्दी की टोकरी कह सकते हैं, ठीक है, और रिसाइकल वो चीज होती है जिसको हम यूज करने के बाद मतलब उसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल हम बना सकते हैं। रिसाइकल बिन का कंप्यूटर की इस्तेलाह में मतलब ये हुआ कि वो वाली टोकरी जिसके अंदर हमारी रिमूव की हुई या डिलीट की हुई फाइल्स जाती हैं और वहां पर पड़ी रहती हैं
और उसे अगर हम दोबारा इस्तेमाल करना चाहें फ्यूचर में तो हम वहां से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने प्रैक्टिकल एक फाइल को रिमूव यानी डिलीट करूंगा और वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे कि उसको मैं कैसे रिस्टोर करता हूँ, यानी उसको दोबारा अपनी पहले वाले मुकाम पे कैसे लेके आता हूँ। हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर ये ब्राउजर नेम से एक इमेज है यानी एक फाइल है, ठीक है। इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पैन आ जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नीचे मैं आता हूँ, ये नीचे मेरे पास डिलीट का ऑप्शन है, इस डिलीट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वो वाली फाइल जिसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया वो यहाँ से हट चुकी है और वो रिसाइकल बिन के में आ चुकी है। फ्रेंड, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप कीबोर्ड से डिलीट के बटन को प्रेस करके भी कोई फाइल रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रिसाइकल बिन में वो फाइल मौजूद है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि वो फाइल रिसाइकल बिन में आती है और वो ये मौजूद है यहाँ पर। इसको हम कैसे रिस्टोर करेंगे, इस पे राइट क्लिक करके, ये आप देख सकते हैं रिस्टोर का ऑप्शन, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये वापस डेस्कटॉप के ऊपर आ चुकी है। ये फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर फाइल दोबारा आ चुकी है। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को रिमूव कर सकते हैं और वो रिसाइकल बिन में पड़ी रहती है। अगर फ्यूचर में आप समझते हैं कि इसकी मुझे दोबारा जरूरत है तो वहां से आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि डायरेक्टरी ट्री किसे कहते हैं। ट्री अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो ये एक पाथ होता है। पाथ से मेरी मुराद, अगर आप किसी फाइल को एक्सेस करते हैं या फाइल को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उस फाइल तक पहुंचने के लिए आप जो पाथ फॉलो करते हैं, लेट सपोज ये मैंने 3-4 फाइल फोल्डर्स के अंदर जाकर एक फोल्डर या एक फाइल को मैंने एक्सेस किया है, ठीक है। तो इस फाइल तक पहुंचने के लिए ये जो मेरी ये पाथ है, इस पाथ को डायरेक्टरी ट्री कहते हैं। डायरेक्टरी बेसिकली हम फोल्डर को कहते हैं और फोल्डर के अंदर या उसमें मौजूद जितने भी आइटम्स होते हैं वो एक ट्री की फॉर्म में अरेंज होते हैं। अगर हम किसी भी आइकॉन को क्लिक करते हैं, जैसे कि ये आप स्क्रीन के बाई जानेब देख सकते हैं, दिस पीसी यानी माई कंप्यूटर का आइकन, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मजीद आइटम ओपन कर देता है और ये अगर मैं मजीद इसके नीचे आइटम को क्लिक करता हूं तो इसके अंदर मजीद आइटम पड़े हैं। तो ये एक ट्री की अरेंजमेंट है। तो इस हिसाब से इसको हम डायरेक्टरी ट्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, विंडो एक्सप्लोरर को देख लेते हैं। विंडो एक्सप्लोरर एक बिल्ट इन यूटिलिटी है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि आपको फाइल्स या डायरेक्टरी पे काम करने के लिए फैसिलिटेट करती है। देख लेते हैं विंडो एक्सप्लोरर कहाँ पे है। नीचे सर्च बार में आप देख सकते हैं मैं विंडो एक्सप्लोरर लिखता हूँ। विंडो एक्सप्लोरर लिखने के बाद ये यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर आ जाता है। बेसिकली विंडो एक्सप्लोरर का दूसरा नाम फाइल एक्सप्लोरर भी है। इसको मैं ओपन करता हूं तो ये माई कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम फोल्डर्स और फाइल्स को आपके सामने शो कर देता है जिन पे आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं और उनका शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब वो शॉर्ट
यानी क्विकली एक्सेसिबल मेथड है, उस मेथड को फॉलो करने के लिए हम किसी भी फोल्डर का एक अल्टरनेट पिक्चर बनाते हैं, एक अल्टरनेट शॉर्टकट बनाते हैं, जिसके ऊपर क्लिक करके हम क्विकली उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। चलें देखते हैं कि ये कैसे होता है। डेस्कटॉप के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट माउस के राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं न्यू पे जाकर फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। आपने देखा कि स्क्रीन पर एक नया फोल्डर बन चुका है। तो इस तरीके से हम फोल्डर बना सकते हैं। अब मैं शॉर्टकट बनाता हूँ। मैं माय कंप्यूटर के अंदर आकर इसकी सी ड्राइव में जाके ये प्रोग्राम फाइल्स है, इसका मैं डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट बना देता हूँ। ये क्रिएट शॉर्टकट है, क्रिएट शॉर्टकट या सेंड टू डेस्कटॉप। अगर आप इसको डेस्कटॉप पे भेज के वहां पर शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे। अदरवाइज अगर आपने इसी जगह पे शॉर्टकट क्रिएट करना है तो वो क्रिएट शॉर्टकट से भी हो जाएगा। सेंड टू डेस्कटॉप पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट बन गया है। और अगर अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्टली उस मुकाम तक ले जाएगा जहां मैं पहले लंबे यानी मुकम्मल पाथ को फॉलो करते हुए आया था। तो शॉर्टकट इस हवाले से यूजफुल है कि आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी, किसी भी फाइल तक। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे आज के इस लेसन नंबर 4 से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लेसन नंबर 5 में कुछ मजीद टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।